हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जूलॉजी टीचर। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस और हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, क्लीवेजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्लेसेंटा तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा मेन टारगेट रहेगा, जो आज हमें कंप्लीट करना, आज लास्ट लेक्चर रहेगा इस पूरे चैप्टर का, तो आज हमें कंप्लीट करना है, हमें गेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रायनिक फीटल डेवलपमेंट कौन कौन से मंथ में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, क्या ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन सबसे पहले बन रहा है। उसके बाद दूसरी चीज हमें आज कंप्लीट करनी है, विल डू पार्चुरेशन की डिलीवरी ऑफ बेबी कैसे हो रहा है, वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। थर्ड चीज हम लोग पढ़ने वाले लैक्टेशन और फोर्थ हम लोगों ने कवर करने हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड की, ये वो 9 मंथ का पीरियड है जिसमें एक विमेन प्रेग्नेंट रहती है ना, ये वो 9 मंथ का पीरियड है। इस 9 मंथ के पीरियड को जब आपका जो फीटस है वो डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उस पूरे पीरियड को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड है, ये वो 9 मंथ का पीरियड है जब फीटस क्या कर रहा है, फीटस इज डेवलपिंग। फीटस क्या कर रहा है, फीटस हो रहा है डेवलप, है ना। एक जाइगोट बना, जाइगोट से फिर इम्प्लांटेशन विल लीड टू प्रेगनेंसी। आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होना जरूरी है और उस इम्प्लांटेशन से हमारा ये 9 मंथ वाला पीरियड दैट विल स्टार्ट। ठीक है, तो अब गेस्टेशन पीरियड में होती है बहुत सारी फीटल डेवलपमेंट्स, है ना, फीटस की डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से महीने में आपका जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसमें क्या क्या डेवलप हो रहा है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट मंथ में अगर हम लोग देखें, है ना, आफ्टर 1 मंथ जब एम्ब्रियो को डेवलप होते होते, फीटस को डेवलप होते होते 1 महीना हो गया है, तो आफ्टर 1 मंथ सबसे पहले डेवलपमेंट होती है किसकी, हार्ट की। अब ये हार्ट सबसे पहले डेवलप होके क्या सिंबलाइज कर रहा है, दिस हार्ट इज सिंबलाइजिंग, या ये हार्ट क्या है, एक साइन है ऑफ डेवलपिंग फीटस। क्या है, हार्ट इज अ साइन ऑफ डेवलपिंग फीटस। ठीक है, क्लियर है। अब फर्स्ट आफ्टर 1 मंथ में हार्ट डेवलप हो गया। अब हार्ट के बाद जब हम लोग बोलते हैं आफ्टर 2nd मंथ या फिर एंड ऑफ 2nd मंथ, बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसमें क्या डेवलप होने लग जाता है, डिजिट्स, लिम्ब्स, है ना, छोटी छोटी उंगलियां और छोटे छोटे उनके डिजिट्स और लिम्ब्स सारे डेवलप होने लग जाते हैं। तो यहां पर क्या डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है ऑफ लिम्ब्स एंड डिजिट्स। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड आता है, जब हम लोग थर्ड मंथ की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्राइमेस्टर। ठीक है, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हम लोग ट्राइमेस्टर यूज करते हैं। तो एक ट्राइमेस्टर में हमारे पास 3 मंथ्स होते हैं, यानी कि अगर गेस्टेशन पीरियड क्या है, 9 मंथ का है। ठीक है, अगर गेस्टेशन पीरियड क्या है, 9 मंथ का है, तो 9 मंथ में कितने ट्राइमेस्टर होंगे, 3 ट्राइमेस्टर होंगे। ठीक है, तो अब थर्ड जो हम लोग बात करते हैं, दैट इज एंड ऑफ 12 वीक्स। 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एंडिंग, यानी कि थर्ड मंथ की एंडिंग में क्या क्या डेवलप हो जाएगा। कुछ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे ये चीज हो जाएंगी। अब जब हम लोग बात करते हैं 5th मंथ की, ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंथ कौन सा है 5th। अरे फिर से एक सेम कलर ले लिया, ओके। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों 5th मंथ की,
फिफ्थ मंथ में क्या हो रहा है, फिफ्थ मंथ में बच्चों डेवलपमेंट हो रही है किसकी, हेयर्स की, किस पे, हेड पे जो हेयर्स हैं बच्चों, आपके सर पे जो बाल आ रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट आपकी एंड फिफ्थ मंथ में स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो फीटस है वो अपनी पहली मूवमेंट फिफ्थ मंथ में स्टार्ट करता है, यानी कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब हो रही है फिफ्थ मंथ में, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहां पर क्या हो रही है, दूसरी चीज हो रही है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स ऑन हेड, सर के ऊपर वाले बाल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आफ्टर 24 वीक्स या फिर एंड ऑफ 24 वीक्स पे हमारे पास क्या क्या होगा। 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड, यानी कि सिक्स मंथ का एंड। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स बच्चों जो हेयर्स, बॉडी हेयर्स, बॉडी पे फाइन हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, छोटे 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 बाल आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो आईलिड्स हैं दैट विल गेट सेपरेट, आईलिड्स क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। आई लैशेस की भी डेवलपमेंट हो जाएगी, आई लैशेस की भी डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यहां पर क्या क्या हुआ, यहां पर सिर्फ सर पे बाल आए थे, ठीक है। बाय द एंड ऑफ सिक्स मंथ क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ सिक्स मंथ बॉडी हेयर्स आ गए हैं, ठीक है, आईलेट सेपरेट हो गई हैं। इसके अलावा आईलिश आई लैशेस भी क्या हो गई हैं, इस पे भी हेयर्स आ गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट इज बाय द एंड ऑफ नाइन मंथ, बाय द एंड ऑफ नाइन मंथ्स की जब हम लोग बात करते हैं, फोर और फाइव और सिक्स, तो बाय द एंड ऑफ नाइन मंथ्स क्या हो रहा है, एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज रेडी टू कम आउट, है ना। बाय द एंड ऑफ नाइन मंथ क्या हो रहा है, एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज रेडी टू कम आउट। अब वो रेडी है कि एक फीटस अब डिलीवर हो जाए। तो अब क्या हो गया, हमने देख लिया कि ग्रोथ क्या क्या हो रही है, कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इस फुल्ली डेवलप्ड फीटस को हमने क्या करना है, इस फुल्ली डेवलप्ड फीटस को हमें आगे कैसे ये डिलीवरी हो रही है, कैसे ये फीटस डिलीवर हो रहा है, बाहर कैसे आ रहा है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, ठीक है। अब बच्चों जब हम लोग पार्चुरेशन के बारे में बात करते हैं, तो लास्ट क्लास में एक चीज जो रह गई थी वो रह गई थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहले वो कर लेते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है बच्चों, इम्प्लांटेशन इन एक्चुअल होना कहाँ था, इम्प्लांटेशन होना था एंडोमेट्रियम पे, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को जाके किस पे एम्बेड हो जाना चाहिए था, एंडोमेट्रियम में। बट इन सम केसेस जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो वही फेलोपियन ट्यूब में जाके क्या करता है, एम्बेड हो जाता है। अब जहां ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो गया वहीं पर उसकी डेवलपमेंट होगी, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि फीटस तो बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, तो धीरे धीरे करके जब वो फेलोपियन ट्यूब में बढ़ना शुरू होगा तो क्या होता है, तो आपकी चांसेस रहते हैं कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो डैमेज हो जाएगी, फट जाएगी, है ना। मतलब एक पाइप में तुम कुछ मोटा सा भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, हवा ही सोच लो, बलून में हवा भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, वो फट जाएगा, है ना। एक कैपेसिटी है, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इस केस में ये तरह, इस तरह की प्रेगनेंसी को हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और जब
एक डॉक्टर इस चीज को डायग्नोस करता है तो वो पेरेंट्स को अबॉर्ट करने के लिए बोलता है, बिकॉज इससे मदर के ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, पूरी फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो सकती है ना, यानी कि फिर बाद में कभी कंसीव करना भी पॉसिबल ना रहे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन जब हम एज अ प्रोसेस बात करते हैं, पार्चुरेशन वो प्रोसेस है जहां पर बेबी की डिलीवरी हो रही है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस की डिलीवरी हो रही है। ये कौन सा प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। अब ये जो फीटस है, डिलीवरी स्विगी जोमैटो से नहीं हो रही है, है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है फुल्ली डेवलप्ड फीटस की। अब जब ये डिलीवरी होती है, जब ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस बाहर आता है, ये बाहर कैसे आ रहा है, मतलब ये बन के, अब ऐसा तो है नहीं कि ये अंदर पूरा डेवलप हो गया है, अब ये बैठा हुआ है कि जब मम्मी निकालेंगी, जब मम्मी डिलीवर करेंगी तभी डिलीवर हो जाऊंगा, मैं वेट कर लेता हूं। ऐसा नहीं होता। जैसे ही फीटस को रियलाइज होता है या फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, वैसे ही फीटस खुद सिग्नल देता है फॉर द पार्चुरेशन। क्या करता है फीटस? खुद सिग्नल्स दे रहा है कि अब डिलीवर हो जाना चाहिए, है ना, अब डिलीवरी या पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो पार्चुरेशन जब हम एज अ प्रोसेस देखेंगे, तो पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। पार्चुरेशन क्या है? एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है या फिर प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या क्या काम कर रहा है? यहां पर दो चीजें वर्क करती हैं, एक तो प्लेसेंटा, ठीक है, एक तो प्लेसेंटा इस पार्चुरेशन को हेल्प करता है पार्चुरेशन होने में, प्लेसेंटा से रिलीज, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम की तरह एक्ट करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है प्लेसेंटा, तो एक प्लेसेंटा हेल्प करेगा। दूसरा मदर की पिट्यूटरी, ठीक है, और तीसरी चीज फीटल खुद, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है खुद क्या करेगा, पार्चुरेशन स्टार्ट कराएगा। तो इस प्रोसेस को, है ना, इस प्रोसेस को जब प्लेसेंटा ने यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करा दी, मदर की पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन भेज दिया, बहुत सारी चीजें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और फीटल, तो इस पूरे प्रोसेस को जब फीटस खुद ये सारे सिग्नल्स दे रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्लियर है, क्लियर है। अब हमें पता चल गया न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है और ये सारी चीजें इसमें पार्ट ले रही हैं। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि फीटस ने रिफ्लेक्स दिया है, फीटस ने सिग्नल दिया है, तो क्या होगा, प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा क्या करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। प्लेसेंटा क्या करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था, हमने देखा था ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों रिलीज कर रहा था, प्लेसेंटा ने ईस्ट्रोजन रिलीज करा, जिसने इस ये ईस्ट्रोजन रिलीज क्यों है, यहां क्या काम है इस ईस्ट्रोजन का बच्चों? यहां पर ये ईस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ा रहा है, यहां पर ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इंक्रीज कर रहा है, एरो ऊपर है, इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रिसेप्टर इंक्रीज कर रहा है किसके, ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। और वहीं पर दूसरी तरफ क्या काम चल रहा है, दूसरी तरफ जो मदर की पिट्यूटरी है, मदर की पिट्यूटरी रिलीज कर रही है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये रिलीज कर रही है ऑक्सीटोसिन, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन क्या कर पाए, बाइंड कर पाए। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बाइंड करेगा, उतनी ज्यादा सबसे पहले क्या होगी, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी। अब ये जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होती है, यानी कि इस टर्म को, जब यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि लेबर स्टार्ट हुआ,
लेबर पेन स्टार्ट होना जब ये यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी, ठीक है, ठीक है, कर हो गया। अब जो ये ऑक्सीटोसिन आ रहा है, ये ऑक्सीटोसिन जब जितना ज्यादा आके बाइंड कर रहा है वो एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है ताकि प्लेसेंटा और भी ताकि पिट्यूटरी और भी ऑक्सीटोसिन रिलीज कर पाए। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा आपका यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, डायलेशन होगा, किसका, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, क्योंकि बाधा तो सर्विक्स भी है, ऐसे छोटा सा केनाल है, नैरो केनाल है, अब उसको खुलना पड़ेगा, डायलेट होना पड़ेगा, तभी तो फुल्ली डेवलप फीटस बाहर आएगा। तो यहां पर क्या हो रही है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो रही है, और जब डायलेशन ऑफ सर्विक्स के टाइम पे यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके बाद क्या होगा, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन में भी कौन सी लेयर थी, मायोमेट्रियम यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन को में हेल्प करती है, कौन, मायोमेट्रियम हेल्प कर रही है, सॉरी मायोमेट्रियम में भी कौन सी, स्मूथ मसल्स क्या कर रहे हैं, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसी के वजह से जैसे ही यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्मूथ मसल्स बहुत ज्यादा हैवी यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होगी, बहुत ज्यादा यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होगी, यहां से होगा एक्सपल्शन ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में हमें क्या पढ़ना था कि एक एक्सपल्शन कैसे हो रहा है ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, अब एक्सपल्शन हमने पढ़ लिया, पार्चुरेशन पढ़ लिया, नेक्स्ट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन वर्ड से ही पता चल रहा है इट इज रिलेटेड टू मिल्क, है ना। तो हम लोग जब लैक्टेशन की बात करते हैं तो मिल्क से रिलेटेड दो हार्मोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक प्रेजेंट है प्रोलैक्टिन और दूसरा प्रेजेंट है ऑक्सीटोसिन, है ना। कितने सारे काम कर रहा है ऑक्सीटोसिन, न्यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन भी करा रहा है, लैक्टेशन में भी हेल्प कर रहा है, मल्टीटास्किंग है ऑक्सीटोसिन, है ना। तुम्हें मल्टीटास्किंग नहीं बनना, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अब जब हम लोग प्रोलैक्टिन की बात करते हैं, प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जब जो मिल्क सिक्रीशन कर रहा है इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क की सिक्रीशन कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन, और ऑक्सीटोसिन इज हेल्पिंग इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क। कभी इजेक्शन ऑफ बेबी की हेल्प काम कर रहा है, कभी इजेक्शन ऑफ मिल्क का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है जब चाइल्ड बर्थ होती है, जब चाइल्ड बर्थ हुई यानी कि जब पार्चुरेशन होगी, पार्चुरेशन के बाद एक्सपल्शन हो गया है प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा हो गया है, अब वहां से जा चुका है, तो एक्सपल्शन हो गया है किसका। अब जैसे ही प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होगा बच्चों, यानी कि जो एंडोक्राइन, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट था, वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के सारे सिक्रीशंस अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां पर डिक्लाइन इन प्लेसेंटल हॉर्मोन्स, अब जैसे ही प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स कम होंगे वैसे ही ये जो प्रोलैक्टिन है क्या करेगा, प्रोलैक्टिन विल स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड। अब जब चाइल्ड बर्थ होता है बच्चों, जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय क्या होता है, एक येलोइश फ्लूइड सिक्रीट होता है। जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय क्या हो रहा है, एक येलो फ्लूइड सिक्रीट होता है। ये जो येलो फ्लूइड है बच्चों, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज नोन एज कोलोस्ट्रम। इस कोलोस्ट्रम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, दिस इज ये जो येलोइश फ्लूइड है बच्चों, ये बहुत ज्यादा
इम्पॉर्टेंट है एक चाइल्ड की ग्रोथ के लिए, एक इन्फेंट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो कोलोस्ट्रम है इसमें प्रेजेंट है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, IgA एंटीबॉडी बहुत रिच, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा इस कोलोस्ट्रम में कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल रहता है वो होता है ज्यादा, और वहीं पर फैट का जो लेवल होता है वो होता है कम, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या है फिर इंपॉर्टेंट है ये कोलोस्ट्रम। अब ये तो हमने बात कर ली फ्लूइड की, अब ये इजेक्शन ऑफ मिल्क हो कैसे रहा है, है ना, इजेक्शन ऑफ मिल्क हो कैसे रहा है। तो जब बच्चों हम लोग बात करते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क की, इजेक्शन ऑफ मिल्क में सबसे पहला काम क्या हो रहा है, निप्पल के ऊपर जो निप्पल था जहां पर, जहां से इजेक्शन ऑफ मिल्क होना था, यहां पर क्या हो रहा है, निप्पल के ऊपर मैकेनिकल स्टिमुलेशन हो रही है, निप्पल या फिर ब्रेस्ट क्या हो रही है, मैकेनिकली स्टिमुलेट हो रही है। इस स्टिमुलेशन के वजह से क्या जा रहा है, एक सिग्नल दौड़ता हुआ, एक नर्व इंपल्स दौड़ता हुआ किसके पास जा रहा है, हाइपोथैलेमस के पास। एक नर्व इंपल्स कहां जा रहा है, हाइपोथैलेमस के पास, भागा 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 जा रहा है, थकता नहीं है, है ना, दौड़ता हुआ कहां गया, हाइपोथैलेमस के पास गया। हाइपोथैलेमस ने फिर क्या किया, हाइपोथैलेमस ने भी एक सिग्नल दे दिया बदले में, सिग्नल लेके आया था हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस ने भी क्या करा, एक सिग्नल दे दिया किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, किसको दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया। अब जब इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इसने सिग्नल दिया, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने बच्चों रिलीज करा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इस ऑक्सीटोसिन को बुलाने के लिए जो नर्व इंपल्स था भागा भागा गया था। अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ वैसे ही इसने क्या किया, इसने एल्वियोलर ग्लैंड्स को कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा था, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, अब यहां पर यह भी कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। इसने क्या करा, एल्वियोलर ग्लैंड्स को कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वजह से हो गया क्या, इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों ये खत्म होता है आपका लैक्टेशन। अब हमने बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। एक चीज जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ानी थी, क्योंकि हम लोगों ने क्लीवेजेस के बारे में बात करी थी, मैंने आपको दो होलोब्लास्टिक क्लीवेज बताया था, एक रोटेशनल क्लीवेज या रेडियल रोटेशनल क्लीवेज बताया था, तो कुछ क्लीवेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस। ठीक है, ओके। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस की, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, है ना, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बच्चों होलो ब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये होलो ब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि माइटोटिक डिवीजन, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं यानी कि उसमें सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, इस होलो ब्लास्टिक क्लीवेज वो ऐसी क्लीवेज है जब एग पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, वो जो क्लीवेज हो रहा है उसमें पूरा एग दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये पार्ट्स इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्लीवेज फरो डिवाइड्स एंटायर एग, क्लीवेज फरो ने पूरे एग को, होल एग को डिवाइड करा, ये होता है होलोब्लास्टिक, होलो होल एग, है ना, ये होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। नेक्स्ट इज, सेकंड इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज,
अब नॉर्मल सी चीज है, इसमें क्लीवेज फरो ने क्या किया था, पूरे से पूरे एग को डिवाइड किया था, यहां पर क्लीवेज फरो पूरे एग के थ्रू नहीं जाती है, पूरे एग को इट डू नॉट डिवाइड होल एग, डू नॉट डिवाइड होल एग। अब जब पूरा एग डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों, सोचो अगर पूरा एग डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि कोई एक पार्ट है जो क्लीवेज में विच इज अंडर गोइंग द क्लीवेज, है ना, जिसमें क्लीवेज हो रहा है, ओनली अ पार्ट इज अंडर गोइंग क्लीवेज, यानी कि सिर्फ एक किसी पार्ट में ये क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। इस तरह के क्लीवेज को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज पार्शियल क्लीवेज। दैट इज पार्शियल क्लीवेज, ठीक है। एक तो ये होगी। अब हमने क्लीवेज को काफी सारे बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल क्लीवेजेस। अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब जो क्लीवेज के बाद जो सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है, जो सेल्स बन रहे हैं, उन सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, उस पे डिपेंड हो के क्लीवेज को हमने फर्दर और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जो सबसे पहला था बच्चों, सबसे पहला है यहां पर रेडियल क्लीवेज, जब हम लोग बात करते हैं बच्चों रेडियल क्लीवेज की, ये कहां हो रहा है, सबसे पहले तो ये ड्यूटेरोस्टोम्स में होता है। अब आप मुझे बताओगे सबसे पहले कि ड्यूटेरोस्टोम्स है क्या, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, कहां पर हो रहा है, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर हो रहा है। अब ये ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम्स बच्चों वो एनिमल्स है, वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सबसे पहले जो ओपनिंग ब्लास्टोपोर है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एनस, सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन हो रही है, उस ओपनिंग से एनस की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद माउथ बनता है, ठीक है। तो ये कहां हो रहा है, एक तो ड्यूटेरोस्टोम्स में हो रहा है। रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, जो सेल्स हैं, है ना, जो सेल्स हैं वो लाए करते हैं इन द सेम वर्टिकल एक्सिस एट द से और एट द सेम रेडियस, जो सेल्स हैं वो लाए करते हैं एट द सेम वर्टिकल एक्सिस, सेम वर्टिकल एक्सिस यानी कि अगर ये सेल है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड करा, ये आगे ऐसे करके डिवाइड हो गया, अब इसको फर्दर डिवाइड करा तो ये चार सेल में, तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, सेम है, या फिर उसका जो रेडियस का प्लेन है विच दैट विल रिमेन सेम। वहीं पर दूसरी तरह का जो अरेंजमेंट सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लीवेज था, दैट इज स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज किस में हो रहा है, स्पाइरल क्लीवेज हो रहा है बच्चों प्रोटोस्टोम्स में। प्रोटोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर पहले उस वो ब्लास्टोपोर कहां कन्वर्ट हो रहा है, वो ब्लास्टोपोर कन्वर्ट हो रहा है बच्चे किस में, माउथ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, माउथ में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद एनस बनेगी, ठीक है, किसी में बनेगी किसी में नहीं बनेगी, अगर आपने एनिमल किंगडम पता है तो आपको पता होगा, ठीक है। कहां पर हो रहा है, प्रोटोस्टोम्स में हो रहा है, यहां पर जो क्लीवेज है, अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे, ऐसे करके इनकी क्लीवेजेस होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड, कैसा, स्पाइरली अरेंज्ड क्लीवेज होती है, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड है। अब नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ सेल्स या टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ सेल्स। फेट ऑफ सेल्स, सेल्स आगे जाके क्या बनेंगे, कैसे बनने हैं, उसके ऊपर बेस्ड अब हम लोगों ने नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन करी है, क्लीवेज करी है। तो फर्स्ट इज बच्चों इनडिटर्मिनेट
क्लीवेज क्या है? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अब जब बच्चों हम लोग बात करते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज की, इसमें जो हमारा जो सेल्स का फेट है कि वो आगे क्या बनना है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, है ना। अर्ली सेल्स की बात कर रही हूं, जो अर्ली सेल्स है, अर्ली स्टेजेस है, जैसे 2 सेल स्टेज हो गया, 4 सेल स्टेज हो गया, वहां पर फेट ऑफ सेल्स कहां, कौन से सेल्स, 2 सेल्ड वाले या फिर 4 सेल्ड वाले जो स्टेजेस हैं, इसमें फेट हमारा क्या है, इन सेल्स का फेट पूरी तरह से क्या है, फिक्स नहीं है, है ना, डिटर्मिनेट नहीं है। सेल्स, फेट ऑफ सेल्स इज नॉट डिटर्मिनेट। अब अगर बाय चांस ये जो सेल्स हैं, है ना, 2 सेल स्टेज पे, 4 सेल स्टेज पे, अगर ये सेपरेट हो गए, मान लो एक ऐसे करके डिवाइड हो गए, है ना, 2 में डिवाइड हो गए, तो दोनों सेल में, 2 सेल में, 1 सेल यहां चला गया, 1 सेल यहां चला गया, तो इन दोनों सेल में पूरी कैपेसिटी है, पूरी कैपेबिलिटी है कि ये दोनों सेल अलग अलग एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है, अगर ये सेल सेपरेट हुए तो अलग अलग एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, और इसी टाइप ऑफ, जब 2 एम्ब्रियो बनने लग जाते हैं तो इसी टाइप को हम लोग बोलते हैं कि वहां पर फॉर्मेशन हो रही है किसकी, आइडेंटिकल ट्विंस की। क्यों? देखो, यहां पर इनको अपना रास्ता पता ही नहीं था, यहां पर इन्हें अपना एम पता ही नहीं था। अब एम नहीं पता तो बंदा कहीं से भी कुछ भी शुरुआत कर सकता है, है ना, आज यहां शुरू करी और वहां पहुंच गया, तो एम नहीं पता है तो वो कहीं पर भी शुरुआत कर सकता है। तो एक सेल, 2 सेल अलग अलग, 2 सेल एम्ब्रियो में भी फॉर्म हो सकते हैं, 2 अलग एम्ब्रियो बनाते हैं। तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेजेस से बच्चों मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिटर्मिनेट क्लीवेज। अब बच्चों जब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज की, तो डिटर्मिनेट क्लीवेज यहां पर सेल्स को पता है उन्हें क्या बनना है। जैसे बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है, जब मतलब कुछ बच्चे 9-10 से डिसाइड कर लेते हैं हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें पायलट बनना है, हम डिसाइड कर लेते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ देखेंगे क्या बनेंगे, फिर उनको लाइफ खुद ही कहीं ले जाती है ना, तो वो जो खुद कहीं जा रहे हैं, जिनका फेट अभी उन्होंने डिसाइड करा नहीं है, उन्होंने अपना एम डिसाइड नहीं करा है, वो हो गए इनडिटर्मिनेट। और जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैम मुझे तो डॉक्टर बनना है और मैं अभी से तैयारी करूंगा और अच्छे से तैयारी करूंगा, तो ये वो डिटर्मिनेट क्लीवेज है जहां पर फेट ऑफ सेल्स ऑलरेडी डिटर्मिंड है। यहां पर क्या है, फेट ऑफ सेल्स, कौन से सेल्स की बात कर रही हूं, अर्ली स्टेजेस वाले सेल्स की, डिटर्मिनेट है, डिटर्मिंड है, ऑलरेडी पता है क्या बनना है। यानी कि अगर ये फिक्स्ड है, अगर कोई भी सेल, इन जो जितने भी सेल्स बने हैं उन सेल्स में से अगर एक भी सेल डैमेज हुआ बच्चों, तो यानी कि वो आगे जिस भी चीज में कन्वर्ट होने वाला था वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं ना, बहुत सारी, जैसे आप नीट का एग्जाम ले लो, 4 सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आपको आपका कुछ भी एक खराब है ना, कुछ भी एक अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो दैट विल डैमेज योर स्कोर, है ना। तो सेम तरह से अगर इस क्लीवेज में किसी एक सेल, कोई एक सेल ऐसा हो बच्चों जिसके अंदर किसी भी तरह की डैमेज हो गई, तो फिर आगे जाके वो सेल या वो टिश्यू या वो ऑर्गन नहीं बनाएगा, जिसके वजह से एम्ब्रियो में क्या हो जाएगा, कुछ डैमेज हो जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है। और ये वो क्लीवेज है जहां पर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बन रहे हैं, यहां पर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बनेंगे, ठीक है। विद दिस बच्चों हमारा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये जितने भी लेक्चर्स थे आपके,
ठीक है, इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर करी हैं, एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर करी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पहले नोट्स पढ़ने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, है ना। एनसीईआरटी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो बच्चों, तो एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। तो कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा कराई गई है आपको इस लेक्चर में, आपके एग्ज़ाम फॉर्मेट के बेसिस पे। बाकी ये जो आपको लेक्चर कराए गए हैं, ये पूरी तरह से सफिशिएंट है। किस चीज़ के लिए? आपका बोर्ड्स के लिए, सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आप इसमें से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसी से लिंक्ड चैप्टर है, तो हमें वो कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको ये पूरी इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स अच्छे लगे हों, और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल पाए। तो बाय बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।